अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तुर्कीज़ द स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा जानमाज बनाने का पूरा प्रोसेस, जैसे कि जानमाज कैसे बनती है। एक एक धागा जोड़ के जानमाज का पहले एक बहुत बड़ा रोल बनाते हैं, तो जो भी कटिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ यहाँ पे जानमाज फैक्ट्री पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जानमाज की फैक्ट्री, बहुत सारे जानमाज हैं यहाँ पे। सो ये देखिए हैं जो मतलब पैक हो गए हैं। अब बस यहाँ पे मतलब एक टेम्पो खड़ी है यहाँ पे बाहर, ये देखिए, और बस ये थोड़ी देर में लोड होंगे उस पर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनका फैक्ट्री, और फिर चलते हैं नीचे जहाँ मैन्युफैक्चर होती है ये सारी। नीचे बहुत बड़ी मशीनें लगी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत हाथों से काम करते हैं, वो सब देखेंगे हम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ है रेड कलर की, और ये मतलब अलग अलग डिज़ाइन की हैं, पर मेड इन तुर्की हैं सारी। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे बंडल्स हैं, जो मतलब जानमाज की जो अभी जाएंगे। सो आइए मैं आपको इनकी फैक्ट्री के मतलब जो ओनर है उनका ऑफिस, इनका ऑफिस दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सैंपल रूम भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये ओनर का ऑफिस अभी अंदर है, और ये है इनका ऑफिस, ये देखिए। तो यहाँ एक और ऑफिस है, ये इस साइड तो वॉशरूम है, और ये सैंपल रूम यहाँ पे। ये देखिए सैंपल है यहाँ पे बहुत सारे, और ये है जानमाज, ये देखिए। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत कारपेट है, एकदम न्यू। ये है जानमाज, मैं आपको ये भी ओपन करके दिखवाता हूँ अभी। ये देखिए, तो ये देखिए, ये है बच्चों वाला छोटा मतलब चाइल्ड के लिए, और वो है मतलब ये जैसे ये सोफे के पास जैसे बिछाया है वैसे। और ये देखिए इसका मैचिंग, यहाँ पे इसका मैचिंग है बिल्कुल। ये मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसे यहाँ पे जब बिछाया जाएगा दोनों मैच के साथ। यहाँ देखिए बैग्स भी बनाते हैं, ये देखिए इसका एक सैंपल ये है बैग का। और ये देखिए ये दूसरा बैग है बड़ा वाला, और ये स्लीपर्स भी बनाते हैं, ये देखिए। ये मतलब कोल्ड में बहुत यूज़फुल होती हैं, ये देखिए। सो आइए मैं आपको इनके नीचे लेकर चलता हूँ, बेसमेंट में जहाँ इनकी सारी मशीनें हैं। तो चलें मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे एक प्रोडक्ट्स रखी हैं, जिसे बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे मतलब ये बनाई जाती है, ये देखिए, ये जो बनाने का सिस्टम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बनती कैसे है, इसका क्या सिस्टम है। यहाँ देखिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं पहली बार, और अभी काम भी चल रहा है सारी मशीनों पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सारी वर्क हो रही है। तो मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, क्लियरिटी के साथ पूरा एक साथ। तो आइए मैं आपको व्यू है इसका, पहली बात तो बहुत अमेजिंग व्यू है इसका। और
सो ये देखिए, ये है वो मशीन जो काम करती है आगे का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे बंडल लगा रखा है एक जानमाज का, आई थिंक दो जानमाज का एक साथ है, और कटिंग भी नहीं हुई इसके बीच में। तो ये मशीन क्लीनिंग करती है, यहाँ से जाता है फिर यहाँ आके आई थिंक कलेक्ट होता है, फिर ये मशीन इसको साफ करती है। देखिए यहाँ देखिए ब्रश लगा रखा है, यहीं क्लीनिंग होता है इसका। उसके बाद फिर ये आगे जाता है यहाँ पे, जब क्लीन हो जाता है तो ये यहाँ आता है। ये देखिए यहाँ इसकी कटिंग हो जाती है, कटिंग होने के बाद ये यहाँ आके अपना मतलब कलेक्ट होकर देते हैं। ये वर्क कर रहे हैं, देखिए कैसे वर्क करते हैं। तो ये देखिए दूसरी मशीन का वर्क, सो ये मशीन का सेम वर्क है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो साइड की बाउंड्रिंग कर रहे थे वही साइड की बाउंड्रिंग ये मशीन भी करती है। बस ये है कि ये मशीन फास्ट वर्क करती है और वर्क इस पर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको अंदर तक लेकर चलता हूँ कि अंदर और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आइए। ये देखिए पहले तो यहाँ ऊपर एक मशीन है जो सारे जानमाज को इस तरह पैक करती है। ये जो स्ट्रिप लगी देख रहे हैं आप, ये लगाती है मशीन, और जो मतलब इसका वेस्ट होता है वो देखिए ये रहा, ये मशीन ये काम करती है। सो ये कह रहे हैं कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे वर्क करते हैं इस मशीन पे। तो ये तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया हो। जैसे कि आपने देखा एक बड़ा रोल कैसे बनता है, उसके बाद उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद कटिंग करते हैं, उसके साइड की चारों तरफ की बाउंडिंग करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया, आई होप आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आएगा। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि पूरा प्रोसेस देखने को, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देखने को। तो चलिए अभी चलते घर। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो जब तक के लिए बाय बाय।